और अब आपको ले चलते हैं यूपी विधानसभा, जहां पर योगी आदित्यनाथ संबोधन दे रहे हैं। और मेरे सभी वरिष्ठ सहयोगी दुनिया के अंदर जिस भी देश में गए, 16 देशों की यात्रा की उन्होंने, 21 सिटी कवर किए थे, और जिस भी देश में गए हर एक बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत हुआ और उन्हें लोगों ने देखते देखते सम्मान की दृष्टियों ने हर प्रकार की मदद की। भारी भरकम निवेश के प्रस्ताव हमारी टीम दुनिया की उन 16 देशों से लेके आई। पहली बार है यूपी की टीम देश के बाहर है, और यही नहीं देश के अंदर भी 8 स्थानों पर हमारे 25 समूह अलग अलग स्थानों पर जाकर के निवेश के लिए रोड शो किए, और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, माननीय विधायक, विधान परिषद के माननीय सदस्य, इन्होंने भी हर जिले में रोड शो का आयोजन किया। और परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में आज निवेश होने जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं मान सकता कि हमारे पास निवेश की कोई प्रस्ताव नहीं है। उत्तर प्रदेश के ये सबसे बड़ी सफलता है इस इन्वेस्टर समिट का, कि जहां पे 75 के 75 जनपद कवर हो रहे हैं, प्रदेश का जो 17 के पहले सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड, वहां पर भी भारी भरकम निवेश हो रहा है, और पश्चिम में तो होना ही होना है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए G20 के भी 2 समिट यहां पर हुए। मॉडल G20 दुनिया के 20 बड़े देशों का सम्मेलन, ये 20 बड़े प्रतिष्ठित देश जिनका दुनिया के 65% से अधिक आबादी जहां निवास कर रही है, 75% से अधिक ट्रेड पर जिनका अधिकार है, 85% से अधिक GDP पर जिन देशों का अधिकार है, और 90% से अधिक इनोवेशन और रिसर्च पर जिन देशों का अधिकार है, वे G20 का समूह है। आजादी के अमृतकाल के प्रथम वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत G20 के देशों का अध्यक्षता कर रहा है, और उसमें से 2 एक आगरा में संपन्न हुई जो महिला सशक्तिकरण का है 10, 11, 12 फरवरी को, और दूसरा 13, 14, 15 फरवरी को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संपन्न हुआ। इसमें 20 उन बड़े देशों के प्रतिनिधि को आए थे, उनके अलावा भारत के 9 मित्र देशों के आमंत्रित सदस्य भाग लिए, और 7 अन्य देशों के संगठनों ने भी भाग लिया। आओ भगत से, आतिथ्य सेवा से वे अभिभूत थे, और थीम भी G20 का वसुधैव कुटुंबकम का है। वसुधैव कुटुंबकम हमने कभी नहीं बोला कि अपना है पराया है, हमारे यहां तो हमेशा इस बात को कहा गया है, भयम निज परोवृत्ति गणना लग चेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम का भाव। भारत की परंपरा ये सबसे बड़ी बात रही है, सदैव इस बात को महत्व दिया। और जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हमारे विपक्ष में बैठे हुए लोग, मैंने कल भी कहा था कि हर समस्या के समाधान के अरे दो या तो उसमें भाग लो या भाग लो। और अब हम जुड़ते हैं यूपी ब्यूरो हेड अमरीश सिंह से। जी अमरीश, विधानसभा में इस वक्त सीएम योगी का जो संबोधन चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल, विधान परिषद से आज सीएम योगी संबोधन कर रहे हैं, और संबोधन में विपक्ष ने जो सवाल खड़े किए हैं, खासतौर पर नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने, उन सभी सवालों का जवाब देख रहे हैं। पिछले अगर 2 दिनों से देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हमलावर है विपक्ष के। 2012 से 2017 के दौरान अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपने कार्यकाल की उपलब्धियां सरकार को गिनाई थी, और 2017 से
वर्तमान समय तक जब से बीजेपी की सरकार लगातार चल रही है तब से कटाक्ष किया था कि भारतीय जनता पार्टी सलाहकारों के रूप में काम कर रही है, सलाहकार जो उनके जो सलाह देते हैं उसी पर काम कर रही है। लेकिन पिछले दो दिनों से जिस तरीके से पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक अपनी सरकार की उपलब्धियां योगी आदित्यनाथ ने गिनाई है, तो वहीं विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड का वो हिस्सा समाजवादी सरकार भूल रही है जहां पर पानी के लिए लोग तरसा करते थे, जबकि अपार संभावनाएं बुंदेलखंड में थी। आज बुंदेलखंड जो है वो अग्रणी जिलों के रूप में आगे बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ पश्चिम की तरफ भी वो पूर्वांचल की तरफ भी गए। पूर्वांचल की तरफ उन्होंने कहा जहां बनारस, इलाहाबाद, कांची और गोरखपुर, इन सभी जगहों को पूर्व की जो सरकारें थी वो अनदेखा किया करती थी, उस पर भी लगातार काम हो रहा है। वो चाहे काशी कॉरिडोर की बात हो, चाहे गोरखनाथ की बात हो, और चाहे प्रयागराज की बात हो, कुंभ के लिए अतिरिक्त जो 2500 करोड़ रुपए का बजट योगी सरकार ने दिया उसके लिए उन्होंने कहा कि विश्व का सर्वप्रसिद्ध और सबसे बड़ा जो सांस्कृतिक मेला लगता है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है वो पूर्व में भी जनता देख चुकी है, और आने वाले 2025 कुंभ के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने जो एक खाका तैयार किया है उससे विपक्ष को जरूर एक बार सोचना पड़ेगा कि हिंदुत्व का एजेंडा जो भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है उसके खास तौर पर विपक्ष पर उन्होंने ये कटाक्ष किया है कि हिंदू जो हिंदू धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, हिंदू सांस्कृतिक वर्ड है, और इस सांस्कृतिक वर्ड को बाहर की देश में भी जब आप जाते हैं तो आपको हिंदुस्तानी कह के संबोधित किया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने पश्चिम की तरफ जहां पे गन्ना किसानों के लिए अपार संभावनाएं थी, पूर्व की सरकारों पर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि गन्ना सरकार भारतीय जनता पार्टी ने जो गन्ना किसानों के लिए समर्थन मूल्य जो लागू किया है उस पर पूर्व की सरकारें कभी सोचा भी नहीं करती थी। नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, इन सभी जिलों का जिक्र करते हुए विधान परिषद में लगातार सीएम योगी जो है वो विपक्ष पर वार कर रहे हैं। साथ ही कह रहे समस्या का समाधान है दो ही हो सकता है, या तो भाग लो और या फिर भाग दो, और दोनों ऐसे विपक्ष किनारा करते हुए हमेशा जो है वो बढ़ता नजर आता है। हालांकि 2017 पहले के हालात पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ कल विधान सभा में भी और आज विधान परिषद में भी 2017 से पूर्व की सरकारें, वो चाहे बसपा की हो, सपा की हो, कांग्रेस की हो, लगातार जिस तरीके से काम किया तो उसको निशाने पर योगी सरकार ने लिया है और कहा है कि जनता जो है वो मूलभूत सुविधाएं देखती है। हर घर जल, हर घर नल, ये एक बड़ी समस्या थी। बिजली की बिजली आपूर्ति कैसे 24 घंटे हो, इस पर सरकार ने काम किया है, वो चाहे किसान हो, बेरोजगार हो। खास तौर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर भी योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि लगातार जिस तरीके का निवेश विदेशों से भी आया है और भारत के जो अग्रणी बिजनेसमैन है, जो व्यापारी वर्ग हो, चाहे अंबानी हो, टाटा हो, और चाहे वो आदित्य बिरला ग्रुप हो, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आके व्यापार करने के लिए और निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश में आज लगातार और भी निवेशक आ रहे हैं, उससे पूर्व की सरकारों को एक सबक लेने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में, एक बड़ा प्रदेश जहाँ से दूसरे प्रदेश में यहाँ के जो कामगार हैं वो बाहर प्रदेशों में जाते थे, यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ जो फिल्म में काम करने के लिए अवसर तलाश के लिए मुंबई की माया नगरी में जाया करते थे, उनके लिए फिल्म सिटी जैसी आज जो जगह बन रही है, वो बाहर जब जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में काम के लिए आएंगे, और उत्तर प्रदेश का नौजवान आज कहीं बाहर जाने का मोहताज नहीं है। सरकार ने अपार संभावनाएं जो है वो घोषित कर दी है। राखी जी, धन्यवाद अमरीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।